तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आपको कैशबैक और ऑफर्स के रिलेटेड कई सारी नई नई वीडियोस में इसकी जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और आपको भी पता है कि यार पैसे सेव करना मतलब पैसे कमाना ही होता है एक तरीके से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। आज की वीडियो में दोस्तों हम यहाँ ये देखेंगे कि हम पेटीएम जो है किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स लेने के लिए एक ही बार में। तो मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आपके काम की हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ कैशबैक एंड ऑफर सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इन शॉप पेमेंट ऑफर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करते हैं पहले, मतलब ये यार अकाउंट स्पेसिफिक होते हैं कई सारी जो ऑफर्स हैं ना, तो इसमें जैसे कि शो कर रहा है कि गेट अप टू 1000 रुपीज़ कैश बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पे एट नियर बाय 6 टाइम्स फॉर 25 और मोर। तो मिनिमम कह रहा है कि 25 रुपये आप खर्च करो, ठीक है, और 6 बार खर्च करो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि फिर आपको ऑप्शन देंगे कैशबैक का। तो यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पे ये कहते हैं कि आप मिनिमम 25 रुपये का खर्च करो, 6 बार करो, और एक दिन में एक ही बार ये ऑफर जो है काउंट होगा आपका, चाहे आप एक मर्चेंट पे ही करो इसको, तो इसमें जो है आपको कैशबैक मिल सकता है। तो ये सब जो ऑफर्स आते हैं, ये जो है मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो UPI अकाउंट लिंक्ड होता है डायरेक्टली उससे पेमेंट कर देते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, तो आप उसको ध्यान से सुनते रहिए, एंड तक देखिए वीडियो को, समझिए चीज़ें और जाके अप्लाई करिए और खूब सारा कैशबैक लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तो पेमेंट ऑप्शन है और इसमें जो है पेमेंट का कोई वो नहीं है कि मतलब आप इसी चीज़ से ट्रांजैक्ट करिए, UPI से ट्रांजैक्ट करिए। आप वॉलेट से भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वॉलेट से ही करिएगा, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट कार्ड में आपका OTP इशू हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे करना है, ये आप देख के रखिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफर सेक्शन है मनी ट्रांसफ़र एंड बैंक ऑफर्स, यहाँ पे आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि आपको कोई ऑफ़र मिला है या नहीं मिला है। मेरे जो दूसरे पेटीएम अकाउंट्स हैं उनमें दोस्तों यहाँ पे ऑफ़र मिला है, कि जैसे कि यहाँ पे ऑफ़र होता है कि अगर आप ऐड मनी करते हैं 1000 रुपीज़ या 2500 जो भी अमाउंट होता है, हर किसी का अकाउंट स्पेसिफिक होता है, उसमें आपको इतने कैशबैक मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं इस ऑफर को यूज़ करके। और आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड का। तो आप समझ गए होंगे मैं कहाँ फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहा हूँ। उसका जो हम यूज़ है मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे ऐड मनी करेंगे, अगर आपको यहाँ ऑफर दिख रहा है। नहीं भी दिख रहा है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कैशबैक होता है और क्रेडिट कार्ड में आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। प्लस अगर आप UPI से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने बताया जैसे कि आप किसी भी शॉप में जाते हैं मर्चेंट पे UPI ट्रांजैक्शन करते हैं, डायरेक्ट आपके बैंक से कटते हैं, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होता है, डायरेक्ट पैसे आपके जा रहे हैं उसी वक्त तुरंत। बट क्रेडिट कार्ड में क्या ऑप्शन होता है कि जैसे कि अभी आप कोई उससे पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड में, वो एज अ लोन होता है। वो कहते हैं कि एक महीने बाद आपने जितना भी पेमेंट एक महीने में करा है उसको आप एक महीने बाद मतलब जो है पेमेंट करिए एज अ बिल। तो आपको जो क्रेडिट कार्ड बिल होता है वो यही होता है कि लास्ट 1 मंथ में आपने जितना भी ट्रांजैक्शन करा है अपने क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट आप करते हैं, तो एज अ लोन ही होता है एक तरीके से। तो आपको एक महीने का गैप मिल जाता है, काफ़ी अच्छा गैप होता है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना है, लॉकडाउन ज़्यादा ख़त्म हो चुका है बट स्टिल लोग बाहर नहीं जा रहे, डर है लोगों को, और कई जगह पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डिजिटल पेमेंट जो है शुरू हो चुके हैं काफ़ी तगड़ी तरीके से हर जगह। जो मैं भी जहाँ जाता हूँ पेटीएम तो मोस्टली मिल जाता है, हर जगह पेटीएम अवेलेबल होता है, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जब पैसे ऐड करेंगे तो इसका आपको कैशबैक मिलेगा, उसके बाद वो पैसे आपके वॉलेट में आएंगे, वॉलेट से फिर आप जाके इन शॉप पेमेंट वाला ऑफर जो है वहाँ से आप पे नाउ कर सकते हैं, पे नाउ करके आप अपने वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपको इन शॉप वाला भी कैशबैक मिल जाएगा और आपका क्रेडिट कार्ड भी यूज़ हो गया, क्रेडिट कार्ड ऐड मनी का ऑफर भी यूज़ हो गया, और इन शॉप पेमेंट जो आपने करा है उसका भी जो है आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
और अभी रिसेंटली जो है पेटीएम जो है कैशबैक कम, और ये पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स आप देख रहे होंगे ये ज़्यादातर देता है, तो ये आप अगर 1000 पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं तो इसमें पेटीएम आपको कैशबैक देता है। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स इज एन एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड प्रोग्राम फॉर पेटीएम यूजर्स, अर्न पॉइंट्स वेयर एवर यू डू एड मनी, मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स। ठीक है, तो यू कैन रिडीम दीज पॉइंट्स टू गेट अमेजिंग डील्स एंड ऑफर्स, तो यहाँ इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी एक मैं बढ़िया चीज़ बता दूं यार, जैसे कि मैं पर्सनली जो पेटीएम पे सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, बीच में जो है प्राइसेस ऑलमोस्ट नेगेटिव चले गए थे वर्ल्ड ओवर, फिर भी जो है इंडिया में आपने देखा था कि यार प्राइसेस कम नहीं हुए थे, और पेट्रोल की जो है यार सबको दिक्कत होती है जो भी जो है व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आप शो मोर पे जा सकते हैं, शो मोर पे आपको फिर यहाँ पे एक IOCL रिवॉर्ड्स मिल जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं सीधा IOCL रिवॉर्ड्स। यहाँ तो मैं इसको यूज़ करता हूँ इसीलिए सबसे टॉप पे आ रहा है, जो आपका रीसेंट यूज़ होता है वो आपको टॉप में अवेलेबल दिख जाएगा। तो आप सर्च कर सकते हैं IOCL रिवॉर्ड्स, यहाँ जा सकते हैं और यहाँ पे अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। तो आपको मैंने ऐड मनी का तरीका तो बता दिया, क्रेडिट कार्ड से ऐड करना है, ठीक है, आपने वो ऑफर्स भी ले लिए, प्लस यहाँ पे आप जो है इस तरीके से रिडीम यहाँ पे जो है रजिस्टर कर सकते हैं इंडियन ऑयल IOCL रिवॉर्ड्स के लिए। तो आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाएं अपने पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करें, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे बीच में मैक्सिमम पॉइंट्स कलेक्ट हो गए थे, जिसका जो अमाउंट था 105.30 था, और दैट इज इक्विवेलेंट टू द 351 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे कितना बेनिफिट है, तो आप इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं।